उज्जैन के रेलवे स्टेशन देवास गेट क्षेत्र में एक युवक अपने घर जा रहा था, बीच रास्ते में रोककर युवक के साथ मारपीट की गई है। कुछ युवकों के द्वारा चाकू से हमला कर नगद राशि करीब 6,000 रुपये और मोबाइल लेकर रफूचक्कर हो गए। गंभीर अवस्था में युवक को कुछ लोग अस्पताल लेकर आए और यहाँ उपचार जारी है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? स्कूल के पास। किन्ने आपके साथ मारपीट की, क्या हुआ? 5-6 जने थे, ये मैं कल रहा था, मैं पाइप लेने गया था लाइन खोलने के लिए, सुलभ काम के लिए। फिर क्या मारपीट की और कितना पैसा कितना ले गए? पैसा मैं कम से कम 5-7 हज़ार रुपये जब मैं तनख्वाह लेके जा रहा था लाइन खोल के, पैसा पेमेंट किया था मैंने 10 तारीख की आज। अच्छा, और आभूषण वगैरह क्या हुआ? कोई वो आए और 5-6 मेरे तो हमला करा, फिर भी मैं हिम्मत और मोबाइल वोबाइल सब लेके निकाल लिया जिम में से ना, वो 5-6 जना ऐसे कर रहे थे मेरे घर से, वो चाकू मेरा मार दिया था हमने। कहाँ पर भाई, कहाँ पर? इंदौर गेट पे। इंदौर गेट पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।